Hey, what is up guys, my name is Swaibhav and you are watching Anime Strom. So guys, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं शिनचैन की हॉरर मूवी के बारे में. वेल, इस मूवी का नाम है शिनचैन द लेजेंड कॉल डांस अमीगो और आप लोगों ने डेफिनेटली इस मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा. वेल, ये मूवी 15th of April 2006 को जापान के अंदर रिलीज़ की गई थी एंड जापान के अलावा इसे और किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर रिलीज़ नहीं करा गया. अब इसका क्लियर रीज़न क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि मूवी काफ़ी ज़्यादा हॉरर है जिस वजह से इसे बाकी कंट्रीज के अंदर रिलीज़ नहीं करा गया एंड ये इंडिया के अंदर भी नहीं आई है. अवेली जो मूवी है द लेजेंड कॉल डांस अमीगो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, डेफिनेटली आप लोगों को उसका एनिमेशन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन द स्टोरी लाइन ऑफ दिस मूवी इज वे बेटर देन द फकिंग कार्टून्स. अवेल, चलिए बात कर लेते हैं अब इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में. इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि कासुगाबे के लोग एक एक करके क्लोन के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं और अब कासुगाबे में सिर्फ क्लोन्स ही बचे थे. कुछ ही लोग थे कासुगाबे के जो कि अभी तक क्लोन नहीं बने थे एंड वो लोग फाइट कर रहे थे ताकि वो बाकी के लोगों को बचा सके एंड डेफिनेटली उसके अंदर शिनचैन की फैमिली और एक और कैरेक्टर थे जिसका नाम था जैकलीन. वेल, इस मूवी के अंदर एक ट्विस्ट था, जो भी लोग क्लोन बनते थे तो वो अचानक से सांबा डांस करने लगते थे. अब ऐसा क्यों होता था वो आपको इसकी एक फुल स्टोरी लाइन वीडियो के अंदर पता चलेगा. एंड सांबा क्या है मैं आपको बता देता हूँ. वेल, सांबा जो है एक जापानीज ट्रेडिशनल डांस है जो कि जापान के अंदर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है. वेल, इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसका नाम है SRI यानी कि साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब इसकी जो मेंबर है वो है जैकलीन जो कि शिनचैन और उसकी फैमिली की हेल्प करती है और कासुगाबे को एंड में चलकर बचाती है. सो अगर हम लोग इस मूवी के विलन के बारे में बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बारे में हम लोग एंड में चलकर बात करेंगे. अब बात करते हैं इस मूवी के इंडिया में आने के बारे में. क्या ये मूवी इंडिया के अंदर आ सकती है? अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेटली नॉट, ये इंडिया के अंदर नहीं आ सकती. अब इस मूवी के इंडिया में ना आने के कुछ रीजंस हैं. पहले रीज़न इसका यह है कि इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसरशिप वाले सीन्स देखने को मिलते हैं यानी कि एडल्ट सीन्स. सेकंड ये कि ये मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉरर है तो डेफिनेटली इसकी वजह से इसे इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से तो नहीं रिलीज़ किया जाएगा. वेल, एनिमे कंपनीज ज़्यादातर अपना हॉरर कंटेंट इंडिया के अंदर रिलीज़ नहीं करती. अब इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. अब इंडिया के अंदर काम करता है सेंसरशिप बोर्ड जो कि इस टाइप की मूवी को बहुत अच्छे से चेकआउट करता है और काफ़ी सारे सीन्स इसके कट करता है जिसकी वजह से मूवी की स्टोरी लाइन पर इम्पैक्ट पड़ता है एंड कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है. और ये मूवी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि जापान के अलावा हर एक कंट्री के अंदर बैंड है, यानी कि और किसी भी कंट्री के अंदर इसे रिलीज़ नहीं किया गया है सिवाय जापान के. और शिनचैन की ये मूवी सिर्फ जापानीज लैंग्वेज के अंदर है एंड जापानीज लैंग्वेज के अलावा आप इसे किसी भी और लैंग्वेज के अंदर नहीं देख सकते. तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इसकी दे दी है. अब बात करते हैं कि आप लोग इस मूवी को कैसे देख सकते हो. तो उसके लिए आपको करना है कि आपको हमारे सेकंड चैनल पर जाना है जिसका नाम है स्केरी ट्यूब, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. आप वहाँ से जाके मेरा सेकंड चैनल चेकआउट कर सकते हैं एंड उसके अंदर मैंने सारे इसके पार्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं. आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है उन सारे पार्ट्स को देखने के बाद. सो बस, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि उससे होगा ये कि आपको हमारी आने वाली किसी वीडियो की अपडेट या फिर नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं करनी पड़ेगी. टिल देन, बाय बाय एंड यू कैन एंजॉय द आउट्रो.